अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कम झूठ मंत्री ज्यादा है। भय भ्रम अफवाह फैलाना उनकी पुरानी आदत है। जो व्यक्ति राजनीति में ही झूठ बोलकर आया हो, पहले बच्चों की झूठी कसम खाकर, दूसरा ये कहकर कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, तब भी आए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव तो लड़ा लेकिन भ्रष्ट सरकार चला रहे, जिनका स्वास्थ्य मंत्री ही जेल में हो वो दिल्ली की स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी होगी पता है, मोहल्ला क्लिनिक कैसे किस हालत में सारी दुनिया को पता है। और ये लगातार झूठे आरोप लगाने की आदत बन गई। कोविड के समय गरीबों को उन्होंने कहा कि हम उनके किराया देंगे, घरों का मुफ्त में अनाज देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने गरीबों को भगाने का काम दिल्ली से किया था। उस समय भी नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ ऐसे गरीबों को 28 महीने तक मुफ्त में राशन अनाज देने का काम किया। समग्र शिक्षा तो अटल जी के समय से हम पूरे देश भर में चला रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना देश भर में मोदी जी चला रहे हैं, एक के बाद दूसरी योजना से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी, आपका स्वास्थ्य मंत्री जेल में है और आपके शराब मंत्री 144 करोड़ के घोटाले में, जो आपके उप मुख्यमंत्री और आप, जब अपने आप को घिरा हुआ पाते हो तो झूठी अफवाहें खबरें और बयान देकर सनसनी फैलाने का काम करते, जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करती। ये मोदी सरकार है जिसने आपदा के समय भी 61,500 करोड़ का मनरेगा का बजट बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ किया। हमने कभी कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया ही है। और ये मैं एक बार फिर उनके ज्ञान के लिए बता दूं, हमने खेलों के ऊपर भी सुविधाएं देश में बढ़ाई, 61 मेडल जीतकर भारत के खिलाड़ी लाए हैं। अरविंद केजरीवाल जी हवा में किले बनाते हैं, खेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं, कहीं पर है नहीं। इनका झूठ कई बार पकड़ा गया, खिलाड़ियों ने आरोप इनके ऊपर लगाए, उनके जवाब नहीं दे पा रहे। इनका बजट खेल का दिल्ली सरकार का 200 करोड़ से कम होकर 40 करोड़ रह गया। ये झूठ बोलने वाले मंत्री झूठे मंत्री हैं।